पेपर वन पेपर टू का डेली वीडियो पीडीएफ पाने के लिए आप हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर वन पेपर टू का फुल कोर्स पीडीएफ ले सकते हैं या घर बैठे बुक्स भी मंगवा सकते हैं। उसके लिए आपको हमें कॉन्टैक्ट करना होगा या व्हाट्सएप करना होगा इस नंबर के ऊपर। सारी जानकारी आपको यहाँ पर दे दी जाएगी। हेलो एवरी वन, आई एम साक्षी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द स्टडी भारत चैनल। आज का हमारा टॉपिक है प्रीएम्बल। प्रीएम्बल क्या है? वैसे मोस्टली जब भी हम देखते हैं, जैसे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रीएम्बल से ही स्टार्ट होता है। तो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जैसे कि इंडिया भी, जिसमें प्रीएम्बल सबसे पहले लिखा गया है, फिर उसके बाद जो है कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है। ठीक है, इट कंटेन्स द समरी और एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन की एक तरह से समरी दी होती है। एन ए पालखीवाला एन इमिनेंट जूरिस्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट कॉल द प्रीएम्बल एज द आई कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एन ए पालखीवाला जी ने जो प्रीएम्बल है उसे आइडेंटिटी कार्ड या फिर आई कार्ड बोला है कॉन्स्टिट्यूशन का। द प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि पंडित नेहरू जी ने ड्राफ्ट किए हैं। और 42nd अमेंडमेंट जब हुई थी, इसमें 3 वर्ड्स जो हैं ऐड किए गए थे, दैट वाज सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। और 42nd अमेंडमेंट जो है वो हुई थी 1976 में। अगर हम बात करें प्रीएम्बल की, तो प्रीएम्बल जो है उसके वर्ड स्टार्ट होते हैं विद द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इन टू अ सोवेगन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। कि वो इंडिया को सोवेगन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक कंट्री बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो रिपब्लिक क्या है? रिपब्लिक वो होता है जिसमें सिटीजन्स की सारे सिटीजन्स को सिक्योर करें, जस्टिस जो है वो सोशली भी होना चाहिए, इकोनॉमिकली भी होना चाहिए और पॉलिटिकली भी होना चाहिए। और लिबर्टी जो है वो थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ और वर्शिप की होनी चाहिए। मतलब कि हमें सोचने का अधिकार, उसे एक्सप्रेस करने का अधिकार, और जो हमारे बिलीव्स हैं या फेथ हैं या फिर पूजा करने का अधिकार, सभी के अपने अपने ये सारे राइट्स हैं। और ये सब की हमें क्या है, लिबर्टी है। इक्वालिटी क्या है, हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, सभी को वैसे ही सुविधाएँ मिलनी चाहिए और उन्हें प्रमोट करना चाहिए। फेटर्निटी है, फेटर्निटी भी होनी चाहिए, जिसमें जो है यूनिटी बनी रहनी चाहिए नेशन की। ठीक है, और ये जो है 1949 को अडॉप्ट किया गया था, 26 नवंबर को। तो आगे उन्होंने लास्ट वर्ड्स हैं, डू हियरबाय अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू ourselves दिस कॉन्स्टिट्यूशन। कि हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को मानेंगे, जिसमें कि उनके वर्ड्स कौन कौन से हैं, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेट। सो लास्ट वर्ड्स हैं प्रीएम्बल के, दैट वॉज Hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution, जिसमें कि ये जो उन्होंने वर्ड्स बोले हैं सोवेगन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक जो है वो उसे फॉलो करेंगे, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे, सभी जो भारतीय नागरिक होंगे, अगर हम इंडिया के बात करें। नेक्स्ट इज इंग्रीडियंट्स ऑफ द प्रीएम्बल, इनमें क्या क्या है। सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्या हमें एक अथॉरिटी प्रोवाइड करता है। द प्रीएम्बल स्टेट्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। प्रीएम्बल में लिखा गया है कि अथॉरिटी कहाँ से मिलती है, लोगों से मिलती है, क्योंकि इंडिया जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और सरकार जो है वो भी लोगों द्वारा ही चुनी जाती है, इसीलिए उनकी जो अथॉरिटी है वो भी कौन है, जो व्यक्ति हैं, जो नागरिक हैं इंडिया के। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, इंडियन स्टेट कैसी है, सोवेगन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिकन है। सोवेगन मतलब कि एक्सटर्नल और इंटरनली जो है वो फ्री है, सोशलिस्ट सामाजिक हमें पता ही है, सेकुलर वो होता है जिसमें धर्म निरपेक्षता होती है, मतलब कि स्टेट का खुद का गवर्नमेंट का कोई रिलीजन नहीं होता, इसमें सभी रिलीजन के लोग रहते हैं इक्वालिटी इक्वालिटी से। ठीक है, और डेमोक्रेटिक वो तो हमें पता ही है कि डेमोक्रेसी क्या है, लोगों की सरकार। और रिपब्लिकन फॉर्म वो होती है जिसमें जो है हायरार्किकल कोई किंग नहीं होता और इलेक्शन से जो है चूज़ किए जाते हैं, जब रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं तो वो होती है रिपब्लिकन पॉलिटी। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के।
हमें क्या प्रोवाइड करता है वो? सबसे पहले वो जस्टिस प्रोवाइड करता है, लिबर्टी प्रोवाइड करता है, लिबर्टी आज़ादी, ठीक है, इक्वालिटी प्रोवाइड करता है कि हम सब इक्वल हैं, फ्रेटर्निटी मतलब कि यूनिटी होनी चाहिए, ये सब जो है इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को 26 नवंबर 1949 को जो है वो अडॉप्ट किया गया है। इसके मेन वर्ड्स हैं, अभी हमने डिस्कस किए हैं, सोविगन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक एंड जस्टिस, ठीक है। सोविगन का मतलब जैसे मैं अभी बता के ही हटी हूँ, सोविगन का मतलब होता है कि अपने, जैसे हमारा देश है किसी और पर डिपेंडेंट नहीं है, कोई डोमिनियन नहीं है, अपने जो रूल्स रेगुलेशंस हैं खुद जो बनाए जाते हैं बाय गवर्नमेंट, और इंटरनली और एक्सटर्नली फ्री है। फर्दर इंडियाज़ मेंबरशिप ऑफ द UNO ऑल्सो इन नो वे कॉन्स्टिट्यूट्स ए लिमिटेशन, चाहे वो UNO है वो भी हमें कोई लिमिटेशन नहीं लगा सकता हमारे सॉवरेंटी पर, मतलब कि हम फ्री हैं। नेक्स्ट इज सोशलिस्ट। सोशलिस्ट जैसे कि एक सामाजिक है। इवन बिफोर द टर्म वॉज एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट इन 1976, ये टर्म जो है 42nd अमेंडमेंट के 42nd अमेंडमेंट हुई थी 1976 में, तब ऐड की गई है। इन अदर वर्ड्स, वट वॉज इम्प्लिसिट इन द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नाउ बीन मेड एक्सप्लिसिट। मोर ओवर द कांग्रेस पार्टी इट सेल्फ अडॉप्टेड अ रेजोल्यूशन टू एस्टैब्लिश अ सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी। तो इसमें जो है कांग्रेस ने खुद सोशलिस्ट पैटर्न जो है वो अडॉप्ट किया है, जिसमें न्यू पॉलिसी जो 1991 में आई थी उसमें उन्होंने वर्ड्स इंक्लूड किए थे, लिबरलाइजेशन होनी चाहिए, प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए और ग्लोबलाइजेशन होनी चाहिए, मतलब कि हमें लिबर्टी भी मिलनी चाहिए, प्राइवेट कंपनीज भी होनी चाहिए और एक ग्लोबल विलेज की तरह जो है हमें काम करना चाहिए। नेक्स्ट सेकुलर। सेकुलर जो अगर हम बात करें तो हम हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उनके आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 25 से लेके 28 तक, उसमें भी जो है यही बताया गया है कि इंडिया जो एक सेकुलर स्टेट है तो सभी व्यक्तियों को फ्रीडम है अपने रिलीजन को ऑप्ट करने की। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने 1974 में ये डिक्लेयर किया था कि ये सेकुलर स्टेट है। नेक्स्ट इज डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक कंट्री क्या होती है? डेमोक्रेसी के बारे में हम कर ही चुके हैं टॉपिक। डेमोक्रेसी क्या है? लोगों की सरकार। तो इसमें जो है रिकॉल, इनिशिएटिव, रेफरेंडम, प्लेबिसाइट भी आता है, ये मोस्टली इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के काइंड्स हैं। दो तरह की डेमोक्रेसी होती है, एक होती है पार्लियामेंट्री और एक होती है प्रेसिडेंशियल। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेटिक वर्ड जो है वो 25 नवंबर 1949 को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने जो है ऐड करवाया था। और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैनॉट लास्ट अनलेस देयर लाइज एट द बेस ऑफ इट सोशल डेमोक्रेसी। उन्होंने कहा था कि मोस्टली जो है सोशलिस्ट डेमोक्रेसी होनी चाहिए, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी से भी ऊपर जो है वो सोशलिस्ट डेमोक्रेसी होनी चाहिए। और सोशल डेमोक्रेसी जो है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि इक्वालिटी होनी चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए और फ्रेटर्निटी होनी चाहिए, जो कि हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। In the same context, the Supreme Court observed in 1997 that the Constitution envisions to establish an egalitarian social order rendering to every citizen social, economic and political justice, कि मतलब कि equal society होनी चाहिए जिसमें सभी के साथ equality हो, ठीक है, और political justice भी हो, तभी जो है भारत वो republican state जो है कहलाएगा। अब रिपब्लिक, रिपब्लिक जो है वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं मोनार्की और एक होते हैं रिपब्लिक, सॉरी डेमोक्रेटिक पॉलिटी दो तरह की होती है, एक होते हैं मोनार्की और एक होते हैं रिपब्लिक। मोनार्की जब एक राज्य का राज होता है, दैट वाज नोन एज मोनार्की, ठीक है। और रिपब्लिकन मैंने पहले ही बताया था, जिसमें हेड जो है चूज किया जाता है, दैट इज रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एग्जाम्पल है, इन अ रिपब्लिक ऑन द अदर हैंड द हेड ऑफ द स्टेट इज ऑलवेज इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली जो है चूज किया जाता है, जैसे कि USA में, और जो ब्रिटेन है उसमें हेरिडिटरी हेड होता है, तो वो मोनार्की टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। और 5 साल के लिए जो है इलेक्ट किया जाता है रिपब्लिकन फॉर्म में, जो रिप्रेजेंटेटिव चूज किया जाता है वो 5 ईयर्स के लिए
जो है चूज़ किया जाता है, उसमें किसी भी तरीके की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती, कोई भी जो है एब्सेंस प्रिविलेज्ड क्लास ऐसा भी कुछ नहीं होता। नेक्स्ट इज़ जस्टिस। जस्टिस जो है वो मेन, अगर सिंपल भाषा में बात करें तो जस्टिस क्या होता है? न्याय। और हमें न्याय कैसे होने चाहिए? सोशली भी, इकोनॉमिकली भी, पॉलिटिकली भी, ठीक है, हमारे फंडामेंटल राइट्स और हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को जो है वो सिक्योर करने वाला होना चाहिए, ना ही किसी तरीके की डिस्क्रिमिनेशन होनी चाहिए, चाहे वो कलर के बेस पे हो, चाहे वो कास्ट के बेस पे हो। और SC ST के लिए भी जो है इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, उनके साथ भी जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। ये थी हमारी सोशल जस्टिस। अब इकोनॉमिकली है कि रिच और पुअर नहीं होना चाहिए, प्रॉपर्टी पर या फिर कोई ऐसी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। अ कॉम्बिनेशन ऑफ सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक जस्टिस, अगर हम सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस का कॉम्बिनेशन करें तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कहलाता है। और पॉलिटिकल जस्टिस जो है उसमें सभी सिटीजन्स को इक्वल पॉलिटिकली राइट्स होने चाहिए, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। द आइडिया ऑफ जस्टिस, इसका जो आइडिया है सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस का जो है वो रशियन रेवोल्यूशन जो है 1917 में हुई थी उससे लिया गया है। नेक्स्ट इज लिबर्टी। लिबर्टी क्या है? लिबर्टी होती है आज़ादी। हमारे प्रियम्बल में भी जो है बताया गया है कि हमारे इंडिया के जो सिटीजन्स हैं उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ हैं और वो लिबर्टी है, उन्हें लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, जो कि हमारा आर्टिकल 19 है, कि हमें आज़ादी है बोलने की, हमें वर्शिप करने की, हर एक तरीके से जो है हमें लिबर्टी दी गई है। और ये भी जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन से ऑप्ट किया गया था। नेक्स्ट इज इक्वालिटी। इक्वालिटी जो है उस पर बहुत सारे आर्टिकल्स भी हैं, राइट टू इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? इक्वालिटी का मतलब है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, किसी के साथ भी किसी भी तरीके का भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि हमारा आर्टिकल 14 है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, कि जो लॉ है उनके सामने सभी इक्वल है। आर्टिकल 15 जो है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, चाहे वो रिलीजन बेस्ड हो, रेस बेस्ड हो वगैरह। और आर्टिकल 16 है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो मिलनी चाहिए। और आर्टिकल 17 हमें प्रोवाइड करता है कि अनटचेबिलिटी जो है वो नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इज आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 हमें बताता है कि अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, टाइटल्स किसी को हम ऐसे नहीं दे सकते। और भी आर्टिकल्स जो उन्होंने बनाए हुए हैं इक्वालिटी पर बेस्ड, आर्टिकल 325 हो गया, आर्टिकल 326 हो गया और आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 जो है DPSP का है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का। इसमें जो है कि मैन और वुमेन अगर काम करते हैं तो उनको इक्वल पे मिलना चाहिए अगर वो इक्वल वर्क करते हैं, ठीक है। और आर्टिकल 325 है, नो पर्सन इज़ टू बी डिक्लेयर्ड इन एलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन इलेक्टोरल रोल्स ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, etc। तो अगर इलेक्टोरल रोल्स में हम किसी भी व्यक्ति को इन एलिजिबल नहीं कह सकते, चाहे किसी भी रिलीजन पर बेस्ड या रेस पर, क्योंकि इंडिया में सभी नागरिक जो हैं वो सेम हैं। एंड द अदर इज़ आर्टिकल 326। इसमें क्या है? टू इलेक्शंस टू इन द टू द लोकसभा एंड द स्टेट असेंबलीज टू बी ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज। और इसमें जो इलेक्शंस हैं वो एडल्ट, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है एडल्ट सफरेज की तरह, एडल्ट सफरेज को फॉलो करके होना चाहिए। अगर हम बात करें फ्रेटर्निटी की, फ्रेटर्निटी मीन्स होता है ब्रदरहुड। ब्रदरहुड मतलब है कि भाईचारा, किसी सभी जो इंडिया के नागरिक हैं उन्हें इक्वालिटी से रहना चाहिए, कोई भी किसी भी तरीके की डिस्क्रिमिनेशन ना करे, यूनिटी से रहे, भाईचारा बनाए रखे, उनमें जो है कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो। इसके लिए आर्टिकल 51A भी है कि हर एक व्यक्ति की, हर एक सिटीज़न की इंडिया के ये ड्यूटी है कि वो ब्रदरहुड बनाए रखे, ठीक है। और इंटीग्रिटी वर्ड जो मैंने पहले भी जो कहा था कि 42nd अमेंडमेंट में जो है, जो कि 1976 में हुई थी, उनमें 3 वर्ड्स जो है ऐड किए गए थे, तो इंटीग्रिटी इनमें से एक है।
According to K.M. Munshi, a member of the drafting committee of the Constituent Assembly, the phrase dignity of the individual signifies that the constitution not only ensures material betterment and maintains a democratic setup, but that it also recognizes that the personality of individual is sacred. कि हर एक व्यक्ति जो है उनकी बेटरमेंट के लिए काम हो और वो सेक्रेट रहे. फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी यही बात की गई है जो कि 51A आर्टिकल है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का. प्रोटेक्ट द डिग्निटी ऑफ वुमेन, कि वुमेन की डिग्निटी जो है वो भी बनाए रखनी चाहिए, उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. अगर हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं तब भी जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स की बात करता है कि सभी स्टेट जो है वो यूनाइटेडली रहनी चाहिए. ठीक है, टू मेक इट क्लियर दैट द स्टेट्स हैव नो राइट टू सीट फ्रॉम द यूनियन. ठीक है, स्टेट को अलग कोई राइट नहीं है कि वो किसी भी यूनियन को अलग कर दे. It aims at overcoming hindrances to national integration like communalism, regionalism, casteism, etc. तो अगर हम बात करें कि मेन नेशनल इंटीग्रेशन कैसे होती है, रीजनलिज्म की वजह से, कास्टिज्म की वजह से, तो इसे जो है ख़त्म करना चाहिए. मेन अब सिग्निफिकेंस क्या है प्रैम्बल का, द बेसिक फिलॉसफी एंड फंडामेंटल वैल्यूज, इसमें है क्या मेन पॉलिटिकल, मॉरल और रिलीजियस वैल्यूज़ के बारे में बताया गया है कि कैसे हमें जो है रहना चाहिए, क्या हमारे राइट्स हैं. और इसमें जैसे कि लिबर्टी के बारे में भी बताया गया है. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो है वो तो सारा नहीं बताया गया, लेकिन मेन जो है समरी उसकी बता दी गई है कि कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलरिटी भी है, फेटर्निटी है, लिबर्टी है, तो ये सब जो है इसमें बताया गया है. According to K.M. Munshi, a member of the drafting committee of the Constituent Assembly, the preamble is a horoscope of our Slovakian Socialist Republic. ऊपर जो हमने N.A. पालकी वाला की थी वो भी बहुत important quotation थी. K.M. Munshi ने भी कहा है कि जो preamble है एक तरह का horoscope है. It is a soul of the constitution. ये जो है constitution की एक तरह से आत्मा है, एक soul है. की नोट्स हैं क्योंकि इसमें जो है डिस्क्राइब किया गया है. ही वॉज सो मूव्ड बाय द टेक्स्ट ऑफ द प्रीएम्बल दैट ही क्वोटेड इट एट द ओपनिंग ऑफ हिज पॉपुलर बुक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी. सर इनेस्ट बाकर जो थे वो इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, उन्होंने अपने बुक में जो है फर्स्ट ओपनिंग में यही कोटेशन लिखी थी, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी. एम हिदायतुल्ला जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने कहा है प्रीएम्बल रिजेंबल द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ द USA बट इज़ मोर देन अ डिक्लेरेशन, कि वो USA की तरह ही रिजेंबल करता है हमारा प्रीएम्बल, बट ये डिक्लेरेशन से ज़्यादा है. प्रीएम्बल एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है. जैसे कि बेरोवेरी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, द प्रीएम्बल शोज द जनरल पर्पस बिहाइंड द सेवरल प्रोविजंस. प्रीएम्बल क्या है, हमारे जनरल पर्पसेस को शो करता है. ठीक है, तभी जो है उन्होंने इतना अच्छे से डिस्क्राइब किया मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रीएम्बल को. नेक्स्ट है केशवानंद भारती केस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. द सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड द अर्लियर ओपिनियन एंड हेल्ड दैट प्रीएम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें स्टेट ने क्या कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, प्रीएम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का ही एक पार्ट है, जो कि 1973 में केस किया था, सॉरी रिजेक्ट कर दिया था ये. इट ऑब्जर्व दैट द प्रीएम्बल इज़ ऑफ एक्सट्रीम इम्पॉर्टेंस, पहले उन्होंने कहा था कि जो प्रीएम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का ही एक पार्ट है, फिर बाद में उन्होंने ये रिजेक्ट कर दिया था कि प्रीएम्बल जो है वो उसकी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है. ऐसे ही इन द LIC ऑफ इंडिया केस 1995 ऑल्सो द सुप्रीम कोर्ट अगेन हेल्ड दैट द प्रीएम्बल इज़ एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और उन्होंने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट, एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्रीएम्बल. लाइक एनी अदर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रीएम्बल वॉज ऑल्सो इनेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा ही बनाया गया है.
The motion was then adopted, hence the current opinion held by the Supreme Court that the preamble is a part of the Constitution is in consonance with the opinion of the founding father of the Constitution. The preamble is neither a source of power to legislature nor a prohibition upon the power of legislature. तो वो कहते हैं कि preamble जो है ना ही एक तरह का legislature की source of power है और ना ही उसे prohibition किसी चीज़ की मनाही करता है, ना ही ये नॉन जस्टिकेबल है और ना ही ये इन्फोर्स होता है कोर्ट्स के थ्रू. अगर हम बात करें अमेंडेबिलिटी ऑफ द प्रीएम्बल की, तो हमने ऊपर पढ़ा कि कैसे जो है आर्टिकल 368 भी अमेंड किया गया, जिसमें फर्स्ट टाइम केशुनंदा भारती केस में 1973 में इसे अमेंड किया गया. फिर उसके बाद बैरोबरी यूनियन 1960 में भी जो है अमेंडमेंट की गई, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट नो अमेंडमेंट इज डन टू द बेसिक फीचर. लेकिन उन्होंने कहा कि हम इसके बेसिक फीचर को अमेंड नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत जो है हम इसे सिर्फ ऑल्टर मतलब कि चेंज ही थोड़ा बहुत जो है चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन अमेंड नहीं कर सकते. फिर उन्होंने कहा इन ए प्रीएम्बल कैन नॉट बी ऑल्टर्ड बाय एन अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368. फिर उन्होंने कहा कि इसे हम चेंज नहीं कर सकते आर्टिकल 368 में. बाद में फिर जो है इसमें थ्री वर्ड्स जो हैं ऐड किए गए, दैट वाज सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी. सो मोस्टली जो प्रीएम्बल है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की एक तरह की समरी है, जिसमें मोस्टली वर्ड्स हैं सोविगन, सोशलिस्ट, सेकुलर, रिपब्लिक, लिबर्टी एटीसी. सो होप यू लाइक दिस चैनल. जय हिंद, जय भारत.